अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सहर आरुन किचन। दोस्तों आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मानसून स्पेशल कॉर्न की चाट। तो यहाँ मैंने ये कॉर्न लिया है और ये जो मार्केट में भुट्टा मिलता है तो वही मैंने लिया था और दो भुट्टे के मैंने ये दाने निकाल लिए हैं और इसको मैंने एक सीटी लगाकर थोड़ा सा गला लिया है। तो एक सीटी इसलिए लगाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइट होता है, तो एक सीटी लगाने से ये थोड़ा सा गल गया है और अब हम इसकी चाट आसानी से बना सकते हैं। अगर आप फ्रोज़न कॉर्न ले रहे हैं तो आपको सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिया है ये कॉर्न फ्लोर, तो ये मैंने लिया है 2 चम्मच। तो ज़रूरत के मुताबिक देख लेंगे कि हमें इसमें कितना यूज़ होगा। और यहाँ मैंने लिया है चाट मसाला 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है 1/4 चम्मच, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है इसलिए बहुत ध्यान से डालें। और कलर के लिए मैं यहाँ पे हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैंने 1/4 चम्मच हल्दी ली है और ये मैंने 2 चुटकी मैंने गरम मसाला लिया है। तो सबसे पहले हम इन मसालों को मिला देते हैं इसके अंदर, अच्छी तरह से हम मिला देते हैं। और ये कॉर्न हमने उबाले थे इसलिए इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है यानी कि नमी है, तो ये आसानी से इस पर चिपक जाएगा। ये देखिए सारा मसाला इस पर आसानी से चिपक गया है। इसके बाद यहाँ पे अब हम इसमें मिलाएंगे ये कॉर्न फ्लोर। अगर नहीं है तो आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं। तो पहले मैं सारा ही इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको मिला लेते हैं हम अच्छी तरह से। तो मुझे और एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा इतने में ही काम हो गया है। तो आप देख लें, अगर आपकी इस पे कोट नहीं हुआ है मसाला तो आप इसमें से और ले सकते हैं। सारा ही इसमें बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे हम और इसे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और जब तक हम गैस पे चलते हैं गैस की तरफ और उस पर ऑयल गर्म करने रख देते हैं, क्योंकि हम इसको करेंगे डीप फ्राई। जिस तरह मार्केट में जो मूंगफली के दाने मिलते हैं उसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार होती है। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा तादाद में भुट्टे मार्केट में अवेलेबल है, तो आप आसानी से ले सकते हैं वहाँ से। तो चले अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। हमने रिफाइंड ऑयल रख दिया था और अच्छी तरह से वो गर्म हो गया है, तो बस अब हम इसे डालना शुरू करते हैं। तो चाहे तो आप एक एक करके डालें इसमें, चाहे इस तरह से जैसे मैंने लिए हैं, और इस तरह हाथ को हाथ से फैला फैला कर ऐसे डालें। तो एक बार में बहुत सारे ना डालें, क्योंकि अगर बहुत सारे डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो बस इतने इतने ही डालें और ये कम से कम इसे 2 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और गैस का फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखें ताकि ये जल ना जाए और अच्छी तरह से परफेक्ट क्रिस्पी ये हो जाए। क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे फ्लेम तो ये ऊपर से कलर भी आ जाएगा और जल्दी से जल भी जाएंगे, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, इसलिए गैस का फ्लेम जो है वो स्लो रखें। कलर आ गया है और इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसका ही आप आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे ही ऐसे हम डाल देंगे। तो एक बार और मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम इसको डाल देते हैं और बहुत जल्दी ये बहुत 2 से 3 मिनट में ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। आगे भी इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे, तो पहले हम सारे फ्राई कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे। देखा दोस्तों, सारे कॉर्न हमने तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ लिया है मैंने एक बाउल और बाउल में हम ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आवाज़ आप सुन सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है,
कि यहाँ हमने लिया है ये कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश, और थोड़ी सी ये हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और नींबू। तो नींबू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। अगर आप मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें आप डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि हमने चाट मसाला भी इस्तेमाल किया है, तो ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, जैसा आप पसंद करते हैं। और फिर हम इसे मिला देते हैं। तो देखा कितनी जल्दी ये हमारी बनकर तैयार हो गई है, और बहुत आसानी से ये बन जाती है। बारिश का मौसम है और बारिश में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो इसे ज़रूर से बनाएं। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखा दोस्तों कितनी जल्दी से हमारी कॉर्न चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रही है। तो इसे ज़रूर से आप बनाएं, और बारिश के मौसम में इसका इंजॉय करें इसे। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर हाजिर होती हूँ। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।